Karnataka's Rehan Chaudhary won the under 16 boys title with a time of 49.02 seconds at the 400 meters national open championships at JLN Stadium, New Delhi. Training at Sai, Bengaluru, Rehan started his career playing football, but slowly steadily he moved to athletics. In a special chat with NNIS Sports, he explained how legendary athlete Usain Bolt inspires him and why he chose athletics despite many big cricketers coming from Uttar Pradesh. एक्चुअली क्या है ना, मुझे स्टार्टिंग में जैसे मैं स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम कब की बात है, 18 मतलब मैं उस टाइम पे नॉर्मली गेम नहीं करता था, ऐसे ही गया था जब भैया के पास, तो मतलब लास्ट में गया था 18 के जो लास्ट है ना दिसंबर में गया था, तो उस टाइम पे मैं गेम में मतलब इतना ध्यान नहीं था, ऐसे मतलब फुटबॉल वगैरह खेलता था, तो धीरे धीरे फिर मैंने लॉन्ग जंप किया, हाई जंप किया, हाई जंप के बाद स्टार मीट होता है ना वो उसमें गया था, 400 खेला उधर 200, तो फर्स्ट टाइम मैं 57 की भागा था, हाँ तो अच्छा गया था टाइमिंग, मतलब विदाउट वर्कआउट ऐसे भाग गया 57। अभी कोई सा भी कॉम्पिटिशन हो तो हमें उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अब अगर हमने एक ही चीज को टारगेट कर रखा है तो उसके लिए नहीं होता है, अभी तो हर चीज पे फोकस रहता है हमारा, जैसे अभी कोई कॉम्पिटिशन आ रहा है तो उसमें अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें पता चलता है भागने में थोड़ा एक और भी एक्सपीरियंस अच्छा आता है, अगर फिर सीनियर के साथ भागते हैं तो उससे और भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, तो ऐसे कॉम्पिटिशन तो कोई भी हो मतलब खेलो सभी, और अभी सबका अलग अलग सोच भी होता है ना सर कि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं, किसको कौन सा बस एक ही टारगेट रखना है या उसको जो भी कंपटीशन आ रहा है, अब हम छोटे छोटे से टारगेट बनाते जाएंगे तभी बड़े टारगेट पे पहुंच पाते हैं, ताकि एकदम से डायरेक्ट बड़े टारगेट पे तो नहीं जा पाते सर। तो फिर एक्चुअली क्या है ना, मेरे भैया भी दौड़ में थे और मुझे भागना ही अच्छा लगता था, मैं पहले सोचा कि 100-200 करूंगा, ऐसे बोल्ट है उसे बोल्ट उसको देख कैसे लगता था, उसकी कभी कभी वीडियो देखता था तो ऐसा लगता था मैं भागूंगा फ्यूचर में ऐसा, तो देख देख ऐसे जोश आता था, जोश मिलता है किसी को बड़े एथलीट को देखते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है देख के सर, तो वही चीज़ मुझे भी ऐसे आती थी भैया को देख के।